एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो राजभवन में एट होम पार्टी टी पार्टी जो रिपब्लिक डे के समारोह के ऊपर बुलाई थी, आज जम्मू में ये चर्चा का बाजार बेहद गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो राजभवन में टी पार्टी जो एलजी साहब ने रखी थी उसमें क्यों शामिल नहीं हुए। और बाजार में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसलिए एलजी साहब की टी पार्टी में नहीं गए क्योंकि इनकी ये कहना था और मांग थी कि सरकार जो लैंड ग्रैबर्स की, इनक्रोचर्स की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के नाम स्टेट लैंड और रोशनी की जमीनों में आ रहे हैं, उस स्टेट लैंड रोशनी की जमीनों के लिस्ट में से इन नेताओं के नाम निकाले जाएं, और इसलिए उन्होंने ये बहिष्कार किया है, बाइकआउट किया एलजी साहब की टी पार्टी में जाने से। ये चर्चा का बाजार गर्म है और हमने इस पहले ही इसका बहिष्कार इसलिए किया था कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर भूखे प्यासे ठंड में धुंध में कई महीनों से नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स और साथ में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम जम्मू में आ गए हैं, रजौरी में, डांगरी में शहादतें हुई हैं, मातम का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, नरवाल ब्लास्ट, सिद्रा ब्लास्ट, कश्मीर में मुस्लिम भाई बहनों की, सिख भाई बहनों की शहादतें, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और हमारी रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं किया जा रहा, हमारे जम्मू में, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं वापस लाई जा रही है और इलाक की शर्तों के खिलाफ वर्जी की जा रही है, हमारे गरीब परिवारों से जमीनें खाली करवाई जा रही हैं, काले तुगलकी की फरमान फतवे जारी किए जा रहे हैं, इसलिए हमने बहिष्कार किया था कि हम एलजी साहब के और सरकारी रिपब्लिक डे के प्रोग्रामों में शामिल नहीं होंगे, अपने स्तर के ऊपर गणतंत्र दिवस मनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं गए उस एलजी साहब की एट होम टी पार्टी के ऊपर? चर्चा का बाजार ये गर्म है कि ये बड़े बड़े नेता जिनके नाम रोशनी, स्टेट लैंड, नगरोटा की जमीनों में और इनके जो मंत्रियों के एक्स एमएलए मिनिस्टर्स के नाम वो जो लिस्ट में आए हुए हैं इनक्रोचर्स की, लैंड ग्रैबर्स की, इनका ये दबाव बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर कि इनका नाम हटाया जाए।